कि आप चाहते हैं प्रभु आपको अभिषेक करें, आपको बदल दें। प्रभु ने कहा मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर अपनी आत्मा तुझ में समाऊंगा। कि आप चाहते हैं कि आपका हृदय बदल जाए, आप पिघल जाए आज अंदर से, तो होने दे पवित्र आत्मा के कामों को। अपनी आंखों को बंद करो, कहीं यीशुआ सुन ले मेरी तू दुआ। अपनी आंखों को बंद करो और अपने आप को तैयार करो, बोलो परमेश्वर मेरे हृदय में कार्य करे, पवित्र आत्मा जी मेरे हृदय में कार्य करे। मैं अपने जीवनों को समर्पित करना चाहता हूं, मैं हर मूल्य चुका सकूं। पवित्र आत्मा बताएं मैं कौन सा मूल्य चुकाऊं, पर मुझे ये प्रेजेंस चाहिए, मुझे ये जीवन के जल की नदियां बहाने वाली, रूहों को जीतने वाली। पत्रस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे आजा, मैं तुझे रूहों को जीतने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला बनाऊंगा। कहे प्रभु मैं भी बुलाहट में आपके पीछे आना चाहता हूं, और बिना सामर्थ के नहीं, इसलिए मैं मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। बोले मुझे कौन सा मूल्य चुकाना होगा, मेरे सामने प्रकट करे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप के लिए मर सकूं और आपके लिए सेवा कर सकूं। आइए पवित्र आत्मा जी मुझे अभिषेक करें, उस ऑयल को अपने हाथों में रखें। मैं आपको अभिषेक करने जा रहा हूं कि आप अपनी बुलाहट के अनुसार चल पाए, और वो अंधकार की शक्ति जो आपको रोक रही है, वो बंधन जो आपको बांधते हैं बुलाहट में चलने के लिए, वो बंधन टूटे, वो इमोशनल स्पिरिट्स जाएं, वो कमजोरियां जाएं, वो पाप जाएं, वो डिले जाएं, वो असफलता जाएं। शाबारा राबा धाना नामासा, उस ऑयल को अपने सामने रखो, और मैं आपको अभिषेक करने जा रहा हूं उस बुलाहट में चलने के लिए जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। मैं आपको अभिषेक करने जा रहा हूं, पाता का लापर रंग दोनों माता रवि शिंदे ने मिसे चला बला 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 शिका। उस ऑयल को अपने हाथ में पकड़ो, अपने हाथों में लो उस ऑयल को, उस ऑयल की बोतल को, उस ऑयल को अपने हाथों में लो जो अनॉइंटिंग ऑयल में आपको ब्लेस कर चुका हूं। अगर आप पिछली प्रेयर सर्विस में नहीं थे तो आप न्यू ऑयल कोई भी रखें। ईशुरा बाला लबा थंदा नमासुम रोहंदा, सिर्फ ऑयल, सिर्फ और सिर्फ ऑयल। शाबा लाखरमा बाबा 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 लाखरबासा। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, आप इन वर्ड्स को रिसीव करें, और जब आपके पास ऑयल आए, आप दोबारा इस मीटिंग को प्ले करके इस प्रेयर को रिसीव कर सकते हैं। इस ऑयल के ऊपर तब तक आप इस वर्ड्स को रिसीव कर सकते हैं। रीबा ना शाबा ला ला बाशा। आइए पवित्र आत्मा जी ने अभिषेक करने के लिए, आइए आइए आइए। आज बड़ा बदलाव इनकी जिंदगी में हो जाए। जे कहें आज की मीटिंग में, आज की डेट को ये याद करें और कहें आज की मीटिंग में 9 अगस्त में प्रभु ने मेरे मन में एक बड़ा बदलाव पैदा किया। 9 अगस्त को मैंने अपनी जीवन को समर्पित कर दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। 9 अगस्त को मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, मैंने प्रभु के लिए दे दिया उसकी सेवा के लिए। 9 अगस्त को अपने मूल्य चुकाने का मतलब, जीवन समर्पित करने का मतलब, जो हमारा है उस पे हमारा अधिकार नहीं। ये है मूल्य। आपकी सुंदरता पर आपका अधिकार नहीं, आपकी बॉडी पर आपका अधिकार नहीं, आपके सपनों पर आपका अधिकार नहीं, आपकी डिजायर पर, आपके आपके पैशन पर आपका अधिकार नहीं, प्रभु का अधिकार, प्रभु की योजना। किसी प्रिया नाम की लड़की को प्रभु का आत्मा शूर है। प्रिया 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 प्रिया, रिसीव योर डिलीवरेंस। ओ लाब्राखंडा नमस्सा रेंदा लबासा। बुलाहट मैं ऐसा देख रहा हूं जैसे आप बुलाहट में आप
ऐसे जैसे गुब्बारा उसमें हवा जब निकल जाती है जैसा बन जाता है, आप ऐसे सूखे हुए हैं अपनी बुलाहट में आत्मिक जीवन में, पर आज मैं देख रहा हूं वो भर रहा है, वो फूल रहा है आपका आत्मिक जीवन। प्रिया आपका नाम है। टच 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 टच। एक सोनू नाम के व्यक्ति को प्रभु भर रहा है आत्मा से, रे पाला काशिक। एक सोनू नाम के व्यक्ति को प्रभु आत्मा से, आत्मिक अभिषेक से भर रहा है, आत्मिक उपस्थिति से भर रहा है, तेरे आत्मिक जीवन को प्रभु बढ़ा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ टच टच टच। कोई हर्ष नाम के व्यक्ति को प्रभु छू रहा है। बहुत सारी प्रेशर का आप अपनी लाइफ में सामना कर रहे हैं, लोगों के प्रेशर का प्रभु आपको छू रहा है। राबा लाथा लाबा शाला लक्रमंदा नमस्ते, हे ब्रह्मंदा लाबा लक्रमंदा नमस्ते। हरप्रीत, प्रभु कहते चिंता मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, तेरे हर इंतजाम मैंने तैयार करके रखे हुए कि इस साल में मैंने तुझे ये देना, अगले में ये, अगले में ये। अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, देख मैं तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं। हरप्रीत हरप्रीत हरप्रीत, इसी का नाम पलक है, पलक पलक पलक। प्रभु आपका शुरू है, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आ रही। कुछ प्रभु आपसे बात करना चाहता है, पलक प्रभु कुछ तुझसे बात करना चाहता है। आने वाले 3 दिन तूने लगातार प्रेयर में रहना है, उन 3 दिनों में प्रभु का आत्मा तुझसे कुछ बात करने जा रहा है, तो उसकी बात को इग्नोर मत करना। आत्मा कशूर है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं आपके घर में, यहां पर आप बैठे हुए हैं, आपके बेड पर जो साइड में टेबल है वहां पर कुछ 3 बुक्स पड़ी हुई है, बुक्स किताबें ऐसे कॉपीज ऐसे पड़ी हुई हैं, और प्रभु का आत्मा आपके रूम में इस समय, उसकी प्रेजेंस आपके बीच में इस समय, आप कशूर है इस समय। काले रंग का आपने कुछ पहना हुआ है, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। टच टच, कुछ तो हो रहा है आपकी लाइफ में। टच टच राइट नाउ, टच टच इन जीसस नेम। आप राखी लोग तो प्रबंधा, अन्य निवासा में प्रार्थना करो प्रभु आपके लिए बात करे। ले लाबाला रथो नमस्, उस ऑयल को रेडी रखो, उस ऑयल को रेडी रखो। मैं अपना हाथ उस तेल की ओर बढ़ाता हूं। पिता, मैं तेरा सेवक होने के नाते इस तेल को मसा करता हूं, और जब जे ऑयल को अपने सिरों पर लगाएं तो इन्हें अभिषेक करें उस बुलाहट के लिए, जिस तरह दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ और वो राजा अगले दिन नहीं बन गया, इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं। उसे टाइम लगा, तो आज मैं प्रार्थना करता हूं
जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आज आपके अभिषेक का दिन है। हो वाओ, वंडरफुल डे, ब्लेस्ड डे है आपके लिए आज 9 अगस्त। जिस बुलाहट के लिए आपको प्रभु ने चुना है, आज आप मसा हो रहे हैं उस बुलाहट के लिए, आज आप मसा हो रहे हैं उस बुलाहट के लिए। ओ जीसस, आज आप मसा हो रहे हैं उस बुलाहट के लिए। प्रभु आपको अभिषेक कर रहा है। अगर आप चर्च में होते तो मैं पुलपट पर आगे बुलाता आपको और आपके सिर पर हाथ रख के सिर पर तेल उंडेलता, तो नो प्रॉब्लम, आज ये काम ऑनलाइन होगा। हो लिखा लफर रखा बसो। ओ जीसस, आज आपका अभिषेक हो रहा है उस बुलाहट के लिए। धीरे 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 उस बुलाहट में जो होने वाला है मैं आपको बताने जा रहा हूं अभिषेक के बाद। कई लोगों को प्रभु कई जगहों से हटाएगा और कई जगहों में शिफ्ट करेगा। कई लोगों की लाइफ में ऐसे लोग निकलने वाले हैं जो आपकी बुलाहट से मेल नहीं खा रहे। जीसस, और कई लोगों के पास, लोगों के साथ प्रभु आपको जोड़ने वाला है। कुछ लोगों के पास वो एक हो सकता है, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट हो रहा है, मैं आपका देख रहा हूं किसी के साथ, और वो आपकी बुलाहट की ओर कदम होगा। एक किसी का नाम रंजीत है, प्रभु का आत्मा कह रहा है जो तू कर रहा है उसमें चलता जा। रंजीत, जो चलता है उसमें ही चलता जा। वेट इज ग्रेट, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बुलाहट क्या, उसमें चलता जा। प्रभु की आंखें गर्मियों पर लगी रहती है। प्रभु कहते हैं मेरी जितनी योजना तेरे लाभ की है, हानि की नहीं, बस अंत तो होने दे, तेरी आशा पूरी कर दूंगा। अगस्त से पहले आपकी मुलाकात पवित्र आत्मा के साथ होने जा रही है। एक सुपरनेचुरल एनकाउंटर, ओला वाला घर को देख रहा हूं। आपके घर के डोर जैसे पुराने होते हैं, जैसे किलों के डोर होते हैं, जब पुराने घरों के डोर हार्ड हार्ड, पुरानी लकड़ के, पुराने जमाने के, ऐसे डोर अभी भी है आपके घर में। और मैं देख रहा हूं कुछ डेवलिश चीजें आपके घर से जा रही है, जो आपको टेस्टमनी बनने से रोक रही थी। ओ यस, इन जीसस नेम, फायर होली गोस्ट, रेखो थो मासा, फायर होली गोस्ट, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में, जाओ जाओ, गेट आउट, फायर इन जीसस नेम, जाओ यीशु के नाम में, एक करके इसके घर से निकलो यीशु के नाम में, फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा किलो थर माथा नमक तली ले क्रूश माथा नमस, जब आप अपनी बुलाहट में चलने वाले हैं इस अभिषेक के बाद,
कुछ प्रेशर्स आने वाले आपकी लाइफ में, कुछ प्रेशर याद रखना, कुछ प्रेशर्स आएंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, जो आपको प्रेशराइज करेंगी, जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, कुछ बैड न्यूज जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। तब याद रखना, अपना ध्यान अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर रखना। क्योंकि शर्माने वाली आत्माएं काम करने की कोशिश करेंगी आपको उस बुलाहट में रोकने के लिए। क्योंकि शैतान को पता, अगर इसके जे अपनी बुलाहट में पहुंच गया तो बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएंगी, बहुत परमेश्वर के काम बढ़ जाएंगे, उसकी योजनाएं नाश हो यीशु के नाम में। शैतान की जो योजना आपकी बुलाहट के खिलाफ है, मैंने कहा वो नाश हो यीशु के नाम में, नाश हो, डिस्ट्रॉय राइट नाउ इन जीसस नेम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फायर, फायर, आपकी कोई फैमिली का मेंबर जो घर छोड़कर या घर से जब गुम गया, वो आपके पास नहीं है और कोई अता पता नहीं है, प्रभु का आत्मा उसे ढूंढ रहा है और वो तैयारी कर रहा है आपके पास लेकर आने की। जल्दी अगुवाई के साथ आने जा रहे हैं, खोए हुए लोग वापस आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते घोषणा करता हूं, जब इस तेल को लगाएंगे तो आप अभिषेक हो जाएंगे उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, उस बुलाहट में चलने के लिए। उंडेलो अपने सिर पर, जितना थोड़ा ज्यादा जितना उंडेलना है अपने सिर पर तेल उंडेलो, और पूरा हाथों पर लगाना, मुंह पर लगाना, लगाओ जितना लगाना है। मैं यीशु के नाम में आपके ऊपर तेल को उंडेलता हूँ, मसा उंडेलता हूँ और बोलता हूं भर जाओ फायर से, भर जाओ यीशु के नाम, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ फायर। एक आग हो रही, एक मुलाकात हो रही है होली स्पिरिट के साथ आपकी। फायर, फायर। देखिए कितनी अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में संगति करें। जैसे उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला, उसके दाढ़ी से लेकर बस्तर तक बह गया, प्रभु आपको अभिषेक में भिगो दे। फायर, 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 फायर। आप बदल रहे हैं, रोना आ रहा है आपको, चेंज हो रहे हो, ओ जीसस, कुछ तो हो रहा है आपकी लाइफ में। जीवन की जल की नदियां, आत्मा की सामर्थ्य बह जाए आपके जीवन में, बह जाए, बह जाए, बह जाए। यस फायर, टच, शूले पुत्रा, शूले, 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 शूले पुत्रात्मा, शूले, 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 टच, टच, एक स्पर्श आपकी लाइफ में, हृदय में बदलाव, हृदय में प्यार भर दे, पावन कर दे इन्हें, इन्हें पवित्र कर दे। आपके हृदय में प्यार भर जाए, सिर्फ ओनली मैं प्रेयर कर रहा हूं, आपके अंदर प्यार भर दे परमेश्वर, इनके अंदर सिर्फ प्यार भर दे इन्हें, इन्हें आज पवित्र कर दे प्यार भर के। क्षमा कर दो उन लोगों को, क्षमा का मन आपके अंदर आए, पश्चाताप का हृदय आपके अंदर आए, आपकी कमियों की लिस्ट आपके सामने आ जाए, आपके पापों की लिस्ट आपके सामने आ जाए। पश्चाताप करो, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि जो सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। राइट नाउ मैं आपको और परमेश्वर के हाथों में से सौंपता हूं। दो मिनट बातें करो प्रभु से, और आपकी स्पिरिट ट्यून हो चुकी है इस समय।
मैं की से, इस वचन की चाबी से आपकी स्पिरिट को ट्यून होने की घोषणा करता हूं। हर एक जन की स्पिरिट ट्यून हो और प्रभु के साथ कुछ वार्तालाप होनी शुरू हो जाए आपकी। करो बातें परमेश्वर से, करो दिल खोल के बातें। जी आपका टाइम है, मैं 3 से 5 मिनट आपको देता हूं। दिल खोल के अपने अब्बा से बातें करो, दिल खोल के होली स्पिरिट से बातें करो, दिल खोल के आज बातें करो, आज रो उसके सामने कर लाओ और कहो प्रभु आई सरेंडर इन योर प्रेजेंस, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। बहुत भाग लिया तुझसे दूर होके, कहां जाऊं परमेश्वर, किसके पास जाऊं, तू ही तो परमेश्वर है, आना तो तेरे पास ही है लौट कर, और मैं आ चुका हूं तेरे पास लौट के परमेश्वर। बातें करो उससे, यस राइट नाउ, रो बारा बाशी। सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर पवित्र, अच्छाई से भरा हुआ परमेश्वर पवित्र, सुंदरता से भरा हुआ परमेश्वर पवित्र, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर पवित्र, जिंदगी को बदल दे परमेश्वर, हर एक रूह को भर दे। हमारे लिए रो रो कर प्रार्थना करता है प्रभु यीशु, वो ना कभी सोता है ना कभी उगलाता है, वो दिन रात रो रो कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। आज के बाद ये लोग कभी लड़ाई ना करें, कभी झगड़ा ना करें, आज के बाद ये सब कुछ सह ले परमेश्वर, तेरे प्रेम से भर जाएं
और लिखा प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी बड़ियाई नहीं चाहता, प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम में बह नहीं होता, प्रेम सब कुछ सह लेता है। आपने जगत से प्रेम किया और क्रूस की मृत्यु सह ली क्योंकि आप हमसे प्यार करते थे परमेश्वर। हम भी एक दूसरे से प्यार करें, जब कोई हमें सताए तो हम सब कुछ सह ले, बदल दे हर एक रूह को परमेश्वर। आज जीवन के जल की नदियां तुझ में से होकर, तेरे दासों में से होकर कलीसियाओं में बहने दे परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया में कमी हो चुकी है तेरे स्वभाव की, तेरे जैसे नेचर की लॉर्ड, आत्मा के फलों की जो आज कलीसिया में नहीं है, जो तू देखना चाहता है। बहने दे अपने दासों के अंदर से जीवन के जल की नदियों को, हर एक मनुष्य को भरे परमेश्वर अपनी आत्मा से, हर एक मनुष्य को भरे अपनी हजूरी से परमेश्वर, हर एक अपने सेवक को पिता माइटी पावर के साथ यूज करे, अपने दासों को अपने स्वभाव से अपनी हसूरी से भरकर इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें मेरे स्पिरिचुअल फादर को अपोस्टल अंकल नरोला जी को माइटी पावर के साथ, जीवन की जल की नदियां तेरे दासों के अंदर से, तेरे स्वभाव, तेरे नेचर, तेरी बातें तेरे दासों के अंदर से बहकर दुनिया में जाए और सभी कलीसिया के अंदर बदलाव आ जाए, कलीसिया के लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन हो जाए। तेरे सेवक को ब्लेस करें परमेश्वर, हर निश्चियों को ब्लेस करें बेटा, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह को ब्लेस करें, सुखपाल राणा निश्चय को ब्लेस करें, सैमी हंस रमन हंस निश्चय को ब्लेस करें, और जो निश्चियां पिता तेरी सेवा कर रहे हैं बेटा, हर एक मिनिस्ट्री को माइटी पावर के साथ यूज करें, हर एक मिनिस्ट्रियों में, हर एक सेवकाई में, कि अंदर से जीवन के जल की नदियां बहनी निकलनी शुरू हो जाए। और तेरी बड़ी बेदारी इस दुनिया में मांगता हूं, क्योंकि आपने हमें अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं चुना, तेरे राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए चुना है। धन्यवाद करें, अजीत संधू मिनिस्ट्री को यूज करें, पंकज रंधावा मिनिस्ट्री को यूज करें, पास्टर सिमोन को यूज करें, पास्टर कंचन मित्र को यूज करें, हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर, न्यूजीलैंड ब्रांच, द अनॉइंटेड इंडियन चर्च, हर एक मिनिस्ट्री को, पॉल दिनाकर मिनिस्ट्री को, हर मिनिस्ट्री को पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में यूज करे बेटा, अगर आत्मा उंडेला जाए कलीसिया में। जो प्रार्थना पिता इन लोगों के मुंह से आज निकली है, उस प्रेयर के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे हाथों में इन्हें देता हूं। जब मैं इन लोगों से दोबारा फेस टू फेस मिलूं तो मैं इनके जीवन में एक बड़े आत्मिक बदलाव की गवाहियों को स्क्रीन पर देखूं बेटा। थैंक यू जीसस, इन जीसस ने उसका धन्यवाद करें, अभिषेक मेरा किया, मुझको तूने बदल दिया, आज मेरे सिर पर तेल मला और तूने मुझे चंगा किया, शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से, मेंटली रोग से उसने आपका अभिषेक कर दिया। आज आप बदल चुके हैं, आप वो नहीं रहे, आप वो नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। इस समय अगर आप चेक करें तो आपके अंदर हल्का हो चुका है आपका स्पिरिट, और आप देख रहे हैं कि आपको लग नहीं रहा कि मेरा शरीर है मेरे साथ,
आपको लग रहा है कि आप एक आत्मा है, ये फील कर रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और आपका अपना शरीर फील नहीं हो रहा है, अगर आप अंग को हिलाना चाहें तो आप एक अंग को भी नहीं हिला पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आपका आत्मा का कब्जा आपके ऊपर हो चुका है। क्यों ना उसका धन्यवाद करें इस अभिषेक को करने के लिए। आज के बाद आप अपनी बुढ़ाहट पर बढ़ते जाएंगे। बोले आमीन।